अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं और हमारे इस यूनिट का नाम प्रोजेक्ट एवेल्यूशन है और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ और हमारा ये BEd का जो है ये कोर्स है और इसके कोर्स कोड का नाम है 8617 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। ये क्या है? नंबर वन, एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट अप्रेजर्स एंड इवेल्यूएशन। नंबर सेकंड पे हमारे पास है डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन आइडेंटिफिकेशन। नंबर थ्री पे हमारे पास है बी एबल टू डिस्कस द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इवेल्यूएशन डिज़ाइन। फिर हमारे पास नंबर फोर पे बी एबल टू डिवेलप ऑपरेटिव इंडिकेटर्स फॉर एन एजुकेशनल प्रोजेक्ट। और नंबर फाइव पे हमारे से बी एबल टू कैरी आउट प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन एंड इंडिपेंडेंटली। अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन को। इसमें के अपॉन दिस टाइम यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ के आ रहे हैं, इसके बारे में यू ऑल्सो नो द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रेजल्स एक्टिविटीज एंड अंडर हाउ दे आर कैरिड आउट। आपको पता है किस तरह उनको वो अप्रेजल्स की एक्टिविटीज हो और उसको हमने किस तरह कैरी आउट किया। फिर हम देखते हैं अलॉन्ग विद द इम्प्लीमेंटेशन द प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएशन बिगिंस अलॉन्ग विद, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही जो है प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएशन का भी स्टार्ट हो जाता है। फिर दिस यूनिट कवर्स ओनली द फंक्शनल साइड ऑफ द प्रोसेस। इस यूनिट में हम सिर्फ फंक्शनल साइड पढ़ेंगे प्रोसेस की। फिर है डेयर थ्रेटिकल एंड फिलोसफिकल बेस हैज़ इंटेंशनली बीन अवॉइडेड टू कीप द यूनिट हैंडी एंड प्लेटीबल। आगे हमारे पास नंबर आ रहा है 1.1, ये है अप्रेजल्स एंड इवेल्यूएशन। ये क्या है? इवेल्यूएशन एंड अप्रेजल्स द ट्विन टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इन मॉडर्न सोशल डिसिप्लिन। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है मॉडर्न सोशल डिसिप्लिन में, एक इवेल्यूएशन अप्रेजल का लफ्ज़। फिर है जी दे डिनोट अ काइंड ऑफ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ पर्सन्स पोस्ट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट के ऊपर भी बात होती है, प्रोजेक्ट्स की बात भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होते हैं। फिर हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द बैकग्राउंड। इसके जो ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड में हो चुके हैं। फिर इवेल्यूएशन इज अ फीडबैक प्रोसेस जनरेटिंग अ नीड फॉर चेंज मॉडिफिकेटिंग इन द ऑपरेटिंग प्रोसेस असाइनिंग ड्यूटीज एंड समटाइम्स वेनस एंड साइट सेलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि इसमें जो फीडबैक के प्रोसेस और जनरेट करते न्यू चेंज को मॉडिफिकेशंस को और इन ऑपरेटिंग प्रोसेस के असाइन ड्यूटीज इसमें की जाती हैं और साइट को सिलेक्ट करते हुए। आगे हमारे पास आता है इसमें 1.2, ये प्रोजेक्ट। इसमें क्या, अ प्रोजेक्ट एज यू नो इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एम एट द अकम्पलिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक टास्क एंड अचीवमेंट ऑफ सर्टन टारगेट्स within a given period of time। given period of time में जो है वो एक project को accomplish करने के लिए उसमें बहुत सारी activities होती हैं जिन्हें select किया जाता है, उसको targeted time period उसका होता है, उसे हम project कहते हैं। फिर it can take place in one or more geographical areas and among specific group of clients। ये geographic यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये एक इलाके या दूसरे एरिया से में भी होता है या specific एक clients के दरमियान भी ये हो सकता है, यानी दो companies भी ये कर सकती हैं। फिर यूजली आ प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ वन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड विद स्पेसिफिक फाइनेंशियल एलोकेशन। आमतौर पर ये एलोकेशन जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी के अंदर होता है और इसमें जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल फाइनेंस भी दिया जो आते हैं, जो उन्हें एलोकेट किया जाता है वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए। फिर है बट देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ कंसोर्टियम टाइप प्रोजेक्ट्स सुपरवाइज्ड एंड फाइनेंस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव
ग्रुप्स। कभी कभी ऐसा होता है प्रोजेक्ट जो है वो कोई और कंपनी कर रही है, लेकिन उसके पीछे जो एक बड़ी कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो होता है वो लगा हुआ होता है, जो उससे वो प्रोजेक्ट अपना करवा रहा होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं 1.3 में, ये है प्रोजेक्ट अप्रेजल। जिसमें क्या है, आफ्टर द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एप्रिप्रिएशन ऑफ अ डिटेल आउटलाइन ऑफ कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस देयर कम्स द स्टेज ऑफ अप्रेजल्स विच आर ऑलरेडी एक्सप्लेन इज बेसिकली अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ इट्स जजमेंट टू बी लॉन्च एंड executed any criteria for appraisal closely related to the type of project under the appraisal in the field of education project can be related to, यानी कि जो appraisals हैं इसके जो इसके लिए अंदर हमें project identify करना पड़ता है और prepare करना पड़ता है detail के साथ, और implement करने process को complete करने के लिए appraisal के लिए जो हम explain करते हैं, और इसके अंदर में critical criteria judgment और launch करने के लिए सर्टन क्राइटेरियाज बनाने पड़ते हैं जो के अंडर अप्रेजल आते हैं, जिसके हम मद्देनजर जैसे देखने जाने हुए। नंबर वन स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जैसे स्कूल का कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। नंबर टू के स्टाफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज, यानी कि स्टाफ की ट्रेनिंग एक्टिविटीज। नंबर थ्री पे क्या है, सॉफ्टवेयर सप्लाई यानी सॉफ्टवेयर की सप्लाई की। नंबर फोर पे क्या, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग, यानी टेक्स्ट बुक की प्रिपरेशन किस तरह करनी और प्रिंटिंग। फिर है फाइव, मोस्ट ऑफ ऑल इन countries like Pakistan a project for a quantitative and qualitative improvement of the education system, yani ki isme quantitative and qualitative improvement of the system ke liye bhi jo hai project ke liye jo mein kaam kiya jata hai. Aage kya hai ji, main criteria frequently used in UNESCO. UNESCO jo UN ki hai ek body hai, usme hum dekhte usme kya batate hain, a relevance प्रोजेक्ट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रायोरिटीज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनता है। इसमें इट शुड ऑल्सो भी रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द कंट्री एंड हेल्प टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस बाय द क्लाइंट्स, यानी कि जो प्रॉब्लम क्लाइंट्स को जो फेस है उसको भी हल करता है। आगे क्या है, इट शुड कन्फर्म टू द एक्सेप्टेड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्या है, नंबर वन द फंक्शनल एजेंसीज पे, नंबर सेकंड पे क्या है स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनाइजेशन, नंबर थ्री पे क्या है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ये तीन होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या है मेन क्राइटेरिया फ्रीक्वेंटली यूज इन यूनेस्को, कौन सा फ्रीक्वेंटली यूज यूनेस्को में होता है। नंबर बी में आ रहे टेक्निकल साउंड्स में आते हैं। नंबर वन द परपोज मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ द प्रोजेक्ट should be technically sound and appropriate according to the available educational research and experience, educational research or experience ke hisab se. Phir hai to building design and material should also be developed in the light of latest research findings, yani ki latest research finding ke hisab se jo design kiya jata hai. Phir methods adopt for the product and distribution of the books should be technically sound, जो technical books के जो है वो technically distribution भी जो है उसका sound होना चाहिए। फिर है all proposals inputs for operations the project program institution, project institution के हिसाब से should be either instantly available or produced by the project itself, project के इट्स उसके अपने आप में ही हो। स्टूडेंट्स इनटेक टेस्ट टीचर्स टेक्नीशियंस एक्सेट्रा में आगे आते हैं मेन क्राइटेरिया फ्रीक्वेंटली यूज इन द यूनेस्को, ये क्या है सी, ये फिजिबिलिटी में क्या, नंबर वन नेसेसरी डिसीजंस एंड मेजर नीड्स फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शुड बी पॉलिटिकली वैलिड, एनी प्रोजेक्ट डिसीजन एक्टिविटी क्रिएटिंग लोकल एंड नेशनल लीडरशिप रिएक्शन कैन जुपिटाइज ऑल इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि ये गलती जो पूरे प्रोजेक्ट को मिटा सकती है पॉलिटिकल अगर हो जाए कोई भी हो जाए। आगे हम चलते हैं जी नंबर टू पे, यूजली इन द डिवेलपमेंट कंट्रीज मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स आर आइदर फंडेड और पार्शली स्पॉन्सर्ड बाय सम ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसीज, यानी कि कभी कभी प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है बाहर के डिवेलपिंग कंट्रीज में जो है वो फंडेड होती हैं स्पॉन्सर्स की तरफ से। फिर है ह्यूज अमाउंट आर लिविश स्पेंड विदाउट केयरिंग फॉर द फाइनेंशियल कैपेसिटी
ऑफ द होस्टिंग गवर्नमेंट टू फर्दर कंटेन द प्रोग्राम, इस कंटेन प्रोग्राम को फंड करते हुए प्रोग्राम बनता है। फिर है इट इज़ नेसेसरी डेट फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ एंड ऑफ द रिक्वायरिंग कॉस्ट इन नेसेसिटेटेड टू कंटिन्यू द एक्टिविटी आफ्टर द क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट मे बी काइंड इन माइंड, वो भी काइंड हो एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते हुए माइंड के लिए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी मेन क्राइटेरिया फ्रीक्वेंटली यूज इन इवेंट यूनेस्को, वो क्या है? डी इफेक्टिवनेस ए वन के एज ऑलरेडी मेंटेन्ड यूजुअली द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी हाई ऑफन एज द पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन द एडहॉक टर्म दे आर गिवन बेटर स्केल फिर, बट इट एडवर्सली अफेक्ट द टोटल फाइनेंशियल फाइनेंसिंग ऑफ अ प्रोग्राम फिर। इन अ इफेक्टिव प्रोजेक्ट द कॉस्ट शुड बी रीजनेबल एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड बी बेनिफिट्स फिर है। बिफोर डेडिकेटिंग डिडक्टिंग अबाउट द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सीम्स मोस्ट इंसर्ट, जिसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट बेनिफिट को जो है सबसे ज़्यादा को एनालाइज किया जाता है, नेसेसरी देखा जाता है अगर हम कोई भी फाइनल प्रोजेक्ट जो है अप्रूवल की तरफ उसको दे रहे हों। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं इवेल्युएशन की तरफ, ये नंबर टू है हमारा। इसमें क्या है, एज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन द इवेल्युएशन इज अ काइंड ऑफ फीडबैक प्रोसेस नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू द इवेल्युएशन टेक फॉर्म द बेस्ट ऑफ द फ्यूचर प्लानिंग, यानी फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से जो है वो बेस्ट जो है हमें फीडबैक के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आगे इसमें क्या डेफिनेशन है, 2.2 में आ रहे हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन क्या है। फिर हमारे पास नंबर 2.3 में आ रहा है फ्रंट एंड एनालिसिस, इसमें क्या प्री इंस्टॉलिंग कॉन्टेक्स्ट फिजिबिलिटी और एनालिसिस इन सबको देखा जाता है। फिर इवेल्यूबिलिटी में क्या असेसमेंट देखी, फिर क्या फॉर्मेटिव में क्या है डिवेलपमेंट प्रोसेस उसको इवेल्यूएशन देखा है जाएगा, फिर इम्पैक्ट में क्या देखा जाएगा सबमिटिव आउटकम और इफेक्टिवनेस को इवेल्यूएशन की नज़र से देखा जाएगा, फिर प्रोग्राम मॉनिटरिंग प्रोग्राम मॉनिटरिंग को देखा जाएगा, फिर इवेल्यूएशन ऑफ इवेल्यूएशन सेकेंडरी इवेल्यूएशन एंड मेटा इवेल्यूएशन को देखा जाएगा, फिर इवेल्यूएशन ऑडियो और यूटिलाइजेशन इवेल्यूएशन को देखा जाएगा। आगे हम स्टूडेंट पढ़ते हैं ये है 3, ये आप बेसिक इवेल्यूएशन स्टडी डिज़ाइन इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। इन द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी केयर इज टू बी टेकन टू शो द कंप्राइजेस क्लियरली, इसमें कंप्राइजेस क्लियर फिर एंड डोवियस शुड बी मेड टू मेक द रिजल्ट एज एट्रीब्यूटेबल टू वन और द अदर ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व, उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जिनमें देन थ्री मोर कंप्राइजेज आर मेड, जो कंप्राइजेज मेड फिर नंबर वन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज कंपेयर विद इट सेल्फ बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, बिफोर भी और आफ्टर ट्रीटमेंट की फिर द कंट्रोल ग्रुप इज कंपेयर विद इट सेल्फ बिफोर एंड आफ्टर द नॉन ट्रीटमेंट पीरियड, ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद को पीरियड को देखते हैं। उसके बाद नंबर थ्री है द मेन कंपेरिजन इज इन फैक्ट कंप्राइजेज ऑफ वन एंड टू, यानी जो हम ऊपर वन में और टू में पढ़ के उनका फिर उनको फिर कंपेरिजन किया जाता है, ये मेन फैक्ट है इसमें। फिर 3.1 को हम देख रहे हैं क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन द स्टडी, ये क्या है आंसर टू दिस क्वेश्चन हेल्प टू फॉर्मुलेट सूटेबल डिज़ाइन ऑफ स्टडी विच विल इंश्योर दैट द आउटकम विल बी रियल एंड रेलिवेंट, रियल और रेलिवेंट। फिर एक है क्राइटेरिया नंबर वन क्या है ऑब्जेक्टिविटी, फिर क्या है टाइम लाइन्स हो इसमें, नंबर फिर भी क्या एप्लीकेबिलिटी हो, फिर हमारे पास क्या हो कम्युनिकेबिलिटी हो, फिर हमारे पास वैलिडिटी हो, और नंबर सिक्स पे हमारे पास नंबर सेवन पे हमारे पास स्कोप और डेप्थ हो उसकी प्रोजेक्ट को करने की, फिर हम उसको करें। फिर क्या है 3.2 पे डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एन इवेल्यूएशन स्टडी, ये क्या है ए फॉर्मुलेशन एंड नेगोशिएशन, फिर क्या है इन फॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स नीडेड अटेंशन, फिर क्या है नंबर वन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इवेल्यूएशन प्रोग्राम शुड बी स्पेसिफिक एज
प्रिसाइसली एज पॉसिबल, ऐसे प्रिसाइसली हो जैसे पॉसिबल हो। फिर नंबर सेकंड पे क्या, द क्लाइंट्स रेलिवेंट डिज़ाइन मेक एंड यूज ऑफ द एवेल्यूएशन रिजल्ट शुड बी आइडेंटिफाइड, रिजल्ट आइडेंटिफाई नो डियर इन्फॉर्मेशन नीड एंड एक्सपेक्टेशंस शुड ऑल्सो बी डेलीगेटेड इन एडवांस सो दैट द एवेल्यूएशन वर्क मे नॉट मिस देयर रिक्वायरमेंट, वो मिस ना करें अपने रिक्वायरमेंट को। फिर एवेल्यूएशन टेक शुड ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एरिया और स्पेसिफिक पब्लिक इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम, पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से जो होना चाहिए। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन रिक्वायर्स फॉर द प्रोजेक्ट शुड बी आइडेंटिफाइड, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड, टू भी होना चाहिए। फिर द एवेल्यूएटर शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द रेंज ऑफ एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन ड्यूरिंग द एवेल्यूएटिंग प्रोसेस में, ये भी एवेल्यूएटिंग प्रोसेस में भी जो है ये रेंज ऑफ एक्टिविटी की वो मालूम होनी चाहिए। आगे हमसे अटे स्टूडेंट्स 3.3 में ये स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन है, इसमें क्या है, नंबर वन फॉर ऑल काइंड ऑफ एवेल्यूएशन आ क्लियर डिज़ाइन और अप्रोच शुड बी स्पेसिफाइड, क्लियर डिज़ाइन भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। इट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंसिस, में कंक्लूजन और इन्फ्रेंसिस को ड्रॉ करना चाहिए। नंबर टू पे इट सैम्पलिंग, इफ सैम्पलिंग इज टू बी यूज द डिटेल ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस चॉइस ऑफ सैम्पल मेथड ऑफ सेलेक्शन टाइम फ्रेम एटसेट्रा शुड बी डिस्क्राइब विद जज विद जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द एवेल्यूएशन, ये एनालिसिस की जजमेंट पे जो है वो बेस करती है। फिर है नंबर थ्री में द मेयर्स मेयरमेंट मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्पेसिफिक अलॉन्ग विद देयर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एप्लीकेशन, उसकी इंस्ट्रूमेंट की क्या है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी एप्लीकेशन में मौजूद होनी चाहिए मेयर करते वक्त। फिर है 3.4, इसमें क्या है डाटा कलेक्शन एंड एंड प्रिपरेशन में, इसमें क्या है नंबर आ डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन प्लान शुड बी डिवेलप्ड इन एडवांस ऑफ डाटा कलेक्शन, एडवांस ऑफ डाटा कलेक्शन में ही होना चाहिए। फिर नंबर बी पे नंबर टू पे क्या इवेल्यूएशन स्टाफ शुड बी सिलेक्टेड, स्टाफ को सिलेक्ट करना चाहिए, उसको ट्रेन करना है एंड सुपर सुपरव्ड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इम्पेरिलिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस, उनकी बेटर परफॉर्मेंस को, उनकी कंसिस्टेंसी को, उनकी बेटर परफॉर्मेंस को भी चेक करना है। फिर नंबर थ्री में क्या है द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर शुड बी वेरीफाइड अंडर द प्रीवेलिंग सरकमस्टेंसेज, प्रीवेलिंग सरकमस्टेंसेज के अंदर जो कलेक्ट इंस्टीट्यूशन और प्रोसीजर शुड बी वेरीफाई, उनको वेरीफाई करना है तभी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपकी चेक होगी डाटा कलेक्टेड कलेक्शन करने के वक्त। आगे है 3.5, ये है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इसमें क्या है नंबर वन में आ रहा है द एनालिसिस प्रोड्यूस प्रोसीजर, एनालिसिस प्रोसीजर शुड मैच विद द जनरल पर्पसेस ऑफ द एवेल्यूएशन, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी एंड डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, डाटा कलेक्शन की प्रोसीजर के हिसाब से जो एवेल्यूएशन डिज़ाइन होना चाहिए हमारा। नंबर टू पे के ऑल एनालिसिस प्रोसीजर्स अलॉन्ग विद देयर अंडरलाइनिंग assumptions and limitations should be described clearly and the reasons for choosing the procedures should also be explained, usme kya hai underlining the assumptions and limited should ko limited honi chahiye clearly, designer jo reason jo choose karne procedures should be unko bhi explain karna isme chahiye. aage kya hai number 3 pe justification should be provided that the best and the most appropriate एनालिसिस प्रोसीजर्स हैव बीन अप्लाइड, उसमें क्या जस्टिफिकेशन में जो आपका प्रोवाइड होना चाहिए बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट एनालिसिस प्रोसीजर। आगे है जी हमारे पास स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 3.6, ये कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर, इसमें क्या नंबर वन गुड गवर्नेंस, गुड कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर एनी इवेल्यूएशन एफर्ट, एनी इवेल्यूएशन एफर्ट में गुड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर particularly good communication seems necessary to clarify the need of the program and expectation from the evaluation, यानी कि इसकी गुड एक्सपेक्टेशन और नेसेसरी होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए उसको एवेल्यूएट करने के लिए। फिर है इट इफ इट नीड्स टू बी क्लेरिफाइड दैट कम्युनिकेशन इज नॉट टू बी इक्वेटेड
विद द इक्वेटेड विद द फाइनल रिपोर्ट, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनल प्रोजेक्ट फाइनल रिपोर्ट के साथ हमारी कम्युनिकेशन जो है ये क्लेरिफाई भी हो, ये इतनी भी ज़रूरी नहीं है। इसमें ऑल इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज आउट द एवेल्यूएशन चैनल्स इंक्लूड प्रेपरेटोरी इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिपोर्ट। इसमें इंटरमीडिएट भी होता है इसके फ्लो में और फाइनल रिपोर्ट भी शामिल है। फिर एंड राइटन एंड ओरल मैसेज ऑल आर इंक्लूडेड इन इट। इसमें रिटर्न और जो है मैसेज और ओरल मैसेज है वो भी इंक्लूड होना होता है। केयर शुड बी टेकन डैट द रिपोर्ट मीट्स द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड एज एट स्टेटेड बिलो। जो वो नीचे आ रहे हैं वो क्या, नंबर वन फाइंडिंग शुड बी प्रेजेंट क्लियरली कम्प्लीटली एंड फेयर, क्लियरली हो कम्प्लीटली और फेयरली हो, साफ शफाफ हो आगे है। नंबर टू के फाइंडिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज इन एन लोकल मैनर एंड स्टेटेड इन लैंग्वेज विच इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाई द यूज़र्स। ये जो है इजी अंडरस्टैंडेबल हो और क्लियर समझ आती हो बाई द यूज़र्स को जब वो इसे बना रहे हों। आगे क्या हमारे पास है जी, 3.7 यूटिलाइजेशन में टू इंकरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू इवेल्यूएट रिजल्ट सम नेसेसरी कंसिडरेशन आर गिवन बिलो। वो नंबर वन पे के एवेल्यूएशन रिजल्ट शुड बी टेकन अवेलेबल टू अप्रोप्रिएट यूजर्स बिफोर रेलिवेंट डिसीजन आर मेड। जब रेलिवेंट डिसीजन मेड करें उससे पहले ये बनना चाहिए अप्रोप्रिएट यूजर्स के लिए। फिर है नंबर सेकेंड पे इवेल्यूएटर्स शुड बी कॉशियस टू प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस यूज ऑफ इवेल्यूएशन रिजल्ट। यानी कि जो एवेल्यूएटर्स हैं उनको क्या चाहिए कि बड़े 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 ज़्यादा तेज़ हों, स्मार्टली काम करें मिस इंटरप्रिटेशन को आउट करने में, और जो मिसिंग जो रिजल्ट हैं उनको भी इसमें से निकालने के, ताकि उनके एवेल्यूएशन सही हो सके। आगे के हमारे पास नंबर फोर है द मेथडोलॉजी ऑफ एवेल्यूएशन। इसमें द फॉलोइंग विल बी डज बी एग्जामिंड इन सक्सेसिव। ये नंबर वन क्या है, चेक द रेलिवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, रेलिवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट को हमने चेक करना है। नंबर सेकेंड पे क्या, कन्वर्टिंग वेग ऑब्जेक्टिव इन टू ऑपरेशनल टर्म्स, यानी कि कन्वे करना ऑपरेशनल टर्म्स को, वेग जो है ऑब्जेक्टिव को हिलाते हुए। फिर है नंबर थ्री में आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आइडेंटिफाई हमने क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। नंबर चार पे हमने क्या इवेल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट आउटपुट, इवेल्यूएशन हमने क्या करें प्रोजेक्ट के आउटपुट को। नंबर आगे हमारे 4.1 इसमें क्या, चेक द रेलिवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। उसमें कैसे करें, इफ इट डज नॉट इम्प्लाई एनी प्रायर एजम्पशन डेट इट इज अनरियलिस्टिक बिकॉज साउंड इवेल्यूएशन रिक्वायर्स द ओरिजिन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय एग्जामिनेशन। इसे कंपेयर रिलेटिव मेरिट ऑफ ऑल प्रपोज्ड स्ट्रेटजीज इन द लाइट ऑफ, उसमें क्या आता है चेकिंग में इस प्रोजेक्ट की एजम्पशंस लेटर। नंबर वन आता है प्रोबेबल कैपिटल एंड क्या है रिक्रूटमेंट कॉस्ट, उसकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट को और की प्रोबेबल कॉस्ट को देखने। नंबर टू पे क्या है कंप्लीटिंग गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, कंप्लीट करने हैं गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को। फिर क्या नंबर थ्री प्लानिंग कंस्ट्रेंट्स, जो कंस्ट्रेंट्स की उनको प्लानिंग को उनको चेक करना है। नंबर फाइव पे क्या कहने प्रोबेबिलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड यूटिलाइजेशन इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन को इम्पैक्ट कितना हमारी प्रॉबिलिटीज को भी चेक करना है। 4.2 में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसमें क्या है द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर इम्प्लीमेंटेड बिकॉज दे कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग द सब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑफ एन इवेल्यूएशन रिपोर्ट, इवेल्यूएशन की रिपोर्ट के हिसाब से। द मोस्ट कॉमन वंस फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, नंबर वन में हमारे पास है नेचर ऑफ द आउटपुट, ट्रेंड और स्पेसिफिक पर्सनल स्कूल बिल्डिंग्स और मटीरियल एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक फंक्शंस और टास्क टू बी परफॉर्म। नंबर थ्री पे हमारे पास है टारगेट्स, ग्रुप स्पेसिफिकेशन, एज कोहेरेंट, लेवल ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर फोर पे हमारे पास आ रहे स्पेसिफिक स्किल्स ही हमारे पास होंगी तो हमारी आइडेंटिफाइड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो पूरे होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आता है ये है डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है ए कंट्रीज वाइड नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन सेंटर्स प्रोवाइड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर यंग पीपल एंड अडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के हिसाब से हमें कम्युनिटी और एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना
पढ़ते हैं उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए, करती पड़ती है उनकी डिफरेंट फैकल्टीज़ में जब उन्हें हम हायर कर रहे थे। फिर उसके लिए क्या है, आफ्टर आ प्रॉबिंग एनालिसिस ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स एट लीस्ट द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन बी एनेबल्ड, कम अज़ कम हमें फॉलोइंग इंडिकेटर्स का को की को हमें को की एहतियात करनी चाहिए जब हम बाहर ये इनको हायर कर रहे हो। नंबर वन क्या है, नेचर ऑफ द आउटपुट कम्युनिटी एजुकेशन सेंटर, नेचर देखिए आउटपुट ऑफ कम्युनिटी सेंटर की। फिर नंबर सेकेंड पर हम देखें स्पेसिफिक फंक्शंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का, स्पेसिफिक फंक्शन क्या है एजुकेशन का एंड ट्रेनिंग का। फिर नंबर थ्री पे क्या है टारगेट ग्रुप और यंग पीपल एंड अदर्स, टारगेट ग्रुप ग्रुप हमारा कहाँ से, गांव से, देहात से, अच्छे बड़े शहर से, छोटे शहर से, या क्या है देहात से। उसके बाद हम यंग पीपल को और एडल्ट्स को जो है वो हायर करें। फिर नंबर चार पे क्या है फिजिकल कंटेक्स्ट, इसमें क्या है रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। फिजिकल कंटेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि रूरल एरिया जो है वो ऑफ द कंट्री हो। आगे हम देखते हैं बी में ये है इमीजिएट ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। नंबर वन क्या है नेचर ऑफ द आउटपुट एक करिकुलम में बनाते वक्त। फिर नंबर सेकेंड स्पेसिफिक फंक्शन, इसमें कॉन्टेंट फॉर द रूरल प्राइमरी स्कूल्स में वो क्या। नंबर थ्री में क्या है टारगेट ग्रुप हो। फिर है रूरल चिल्ड्रन इन द प्राइमरी स्कूल विद ऑप्शनल कम्युनिटीज दैट कैन बी इंटरेस्टेड इन अर्बन स्कूल करिकुलम टू मीट द नीड ऑफ द सिटी चाइल्ड। ये इसके नए नंबर चार पे मतलब डिसीजन मेकिंग मेथड कोलेब्रेशन विल द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, कोलेब्रेशन हो डिसीजन मेकिंग करते हुए इंस्टीट्यूशन का भी। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट 4.3 में, ये क्या है सेलेक्टेड आउटपुट इंस्ट्रक्टर्स, इसमें क्या है सेलेक्टेड आउटपुट इंडिकेटर्स। सेलेक्टेड आउटपुट इंडिकेटर्स में है ए एजुकेशन, नंबर ऑफ क्लास बिल्ड, फिर है कि कितनी क्लास बिल्ड की है, फिर है नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, यानी ग्रेजुएट्स कितने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में। नंबर आगे हमारे पास है नंबर ऑफ कोर्सेज कंप्लीटर असाइन टू अप्रोप्रिएट पोजीशन, कितने कोर्सेज असाइन करें डिफरेंट पोजीशंस पे। फिर है परसेंटेज लिटरेसी एडल्ट्स इन पॉपुलेशन, परसेंटेज कितनी है लिटरेसी पॉपुलेशन की एडल्ट्स की। फिर है परसेंटेज चिल्ड्रन एबल टू पास स्टैंडर्ड्स रीडिंग टेक्स्ट, कितने स्टूडेंट पास कर रहे रीडिंग टेस्ट को टेक्स्ट को पढ़ने। फिर है एनरोलमेंट रेडियो, एनरोलमेंट क्या है रेडियो। फिर नंबर बी क्या है फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए क्या है नंबर ऑफ हाउस विजिटिंग बाय एफपी पर्सनल, जिनको विजिट करने पड़ते हैं ये जानने के लिए। नंबर ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज गिवन, उनको ट्रेनिंग कोर्सेज दिए जाने। फिर नंबर ऑफ ट्रेनर्स ग्रेजुएट, कितने ट्रेनर जो ग्रेजुएट हुए हैं। फिर है नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीट, कितने रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए। फिर है नंबर ऑफ न्यू एक्सेप्टर्स एटसेट्रा, प्लीज डिवेलप इंडिकेटर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्ट मैन पावर डिवेलपमेंट ट्रीज प्लांट्स वाटर सप्लाई एंड स्कीम एटसेट्रा के लिए भी कितने हुए। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं नंबर फाइव पे, क्या है एवेल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट आउटपुट्स, ये क्या है 5.1 जनरल कमेंट्स के, इफ़ द असाइनमेंट एक्सप्लेन इन प्रीवियस पेज हैज़ बीन प्रॉपरली कैरीड आउट द एवेल्यूएशन इज नॉट इन पोजिशन ऑफ लिस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव टूगेदर विद अ होल सेट ऑफ अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड अकॉर्डिंग ही कैन एनालाइज द प्रोजेक्ट आउटपुट, यानी कि इसके हिसाब से हमें वैल्यूएशन और ऑपरेशन आउटपुट जो है टुगेदर जो है इंडिकेटर जो है मिलके अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो इनका प्रोजेक्ट जो इसका आउटपुट मिल जाता है वैल्यूएशन हो जाती है। आगे हम चलते हैं 5.2 में, ये क्या है आउटपुट आउटपुट्स है, इसमें क्या है ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है इसका, क्वांटिटेटिव भी इसका एस्पेक्ट है, और बी क्या है क्वालिटेटिव का नहीं इसकी क्वालिटेटिव भी इसका एस्पेक्ट्स है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं 5.3 में, ये क्या इम्पैक्ट्स, इसमें क्या द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मीन्स दैट द क्वालिटी ऑफ अ गिवन प्रोजेक्ट आउटपुट, इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट को इधर देखा जाता है उसके आउटपुट को। फिर है द आउटपुट ऑफ द इवेल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट आउटपुट गिवन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोसेस, जो आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे देता है कि क्या क्या असर हुआ है या क्या इम्पैक्ट हुआ है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस का। फिर है इफ़
if an evaluator thinks that information gathers up to that time is not sufficient to know clearly what the impact of the project has been, it is advisable that he should again watch, observe, examine as the case may be the output of the project in report of change in number of passes, level of achievement or social status भी पढ़ने का पता चलता है, level of उसकी achievement भी पता चल जाता है, ये सारी की सारी इसमें चीज़ें। आगे नंबर 5.4 में ये है यूटिलाइजेशन, इसमें द यूटिलाइजेशन रेफर टू द यूज़ ऑफ द प्रोजेक्ट आउटपुट, किसी प्रोजेक्ट के आउटपुट का पता चलता है, वाइल इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश विद सर्टन वेदर द आउटपुट हैज़ और हैज़ नॉट एन इम्पैक्ट, इट इज़ ऑन द अदर हैंड जनरली पॉसिबल टू एस्क्रटेन वेदर एंड टू विच एक्सटेंट इट हैज़ बीन यूज, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू determine whether number one the graduates of the higher teacher training college established by recent complete projects have been recruited, कि उनको recruit किस तरह से करना है, जो recent graduate जो है वो higher school के जो हैं वो trainers जो हैं उनको उसके लिए क्या plan बनाया गया, क्या project बनाया गया। फिर है number second पे the research studies carried out by the project are circulated and accumulated by the intended readers and whether they have been used as sustainable impact etc. ये भी उनका देखा जाता है कि क्या वो जो है स्टूडेंट जो है रिसर्च स्कॉलर जो है वो प्रोजेक्ट और सर्कुलेट क्या करते हैं अपनी इंटेंट को अपने रीडर्स को बताने के लिए, उनकी इनपुट को देखते हैं। आगे 6 पे हम चलते हैं, चेकलिस्ट फॉर प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन स्टडी में नंबर वन हमारे पास 6.1 में आ रहा है। चेकलिस्ट में नंबर वन क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने चाहिए, ए यानी ऑब्जेक्टिव्स, बी क्या है मेथड्स यानी मेथड्स लिखने, कौन से मेथड को अप्लाई करने आप जा रहे हैं, नंबर सी पे जा रहे हैं जाएंगे हम, ये डाटा प्रोसेसिंग, इसमें क्या है डाटा प्रोसेसिंग कौन सी लिए, डी में क्या है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है, फिर इसमें हमारे पास आते हैं फर्दर वन कॉस्ट आती है यानी पैसे कितने रेवेन्यू, नंबर सेकंड पे कहते हैं जनरली कितना इसे यूज़ करें, तो फी एमान ला, यह हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, और मुझे डॉ में याद रखेगा, और गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम, और हमारा ये कोर्स कोड 8617 था।